वो बेहद खुश थी, उसके घर पर शहनाई बज रही थी, बारात चौखट पर खड़ी थी, बस उठने ही वाली थी उसकी डोली। और तभी एक चलने लगी एक तरफ गोलियां, मथुरा में मंडप में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। देखिए मंडप में मौत का तांडव, डोली से पहले चली गोली। वो बेहद खुश थी, घर में बज रही थी शहनाई, चौखट पर थी बारात, लेकिन तभी गोली की आवाज से मचा हड़कंप। मथुरा के थाना नौझील इलाके के मुबारकपुर में शादी का मंडप सजा हुआ था, तैयारी पूरी थी। शाम ढलने लगी, काजल की बारात उसके घर के चौखट पर खड़ी थी। अपनी शादी को लेकर काजल बेहद खुश थी, लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। और फिर शुरू हुई शादी की रस्में, स्टेज पर वरमाला पहनाई गई, हर कोई झूम रहा था, पूरा परिवार खुशी में डूबा हुआ था। तभी काजल फेरों के लिए तैयार होने कमरे में गई और आई गोली की आवाज। गोली की आवाज सुनकर सभी दुल्हन के कमरे में गए तो काजल खून से लथपथ जमीन पर बेसुध पड़ी हुई थी। आनन फानन में काजल को अस्पताल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। सर, हमारी लड़की की शादी थी 28 तारीख की, तो वरमाला के समय पे कुछ लोगों ने कंकड़े फेंके, उससे उथल पुथल हुई, तो हम उसके पीछे भागे, तो बाउंड्री क्रॉस करके वो लड़का ऐसे करके भाग गया, हम पीछे से आए, तो घर हमारे रिश्तेदार नातेदार सब घर पर बार हमारे पीछे धड़ भाग, तो लड़की अकेली कमरे में बैठी थी कुर्सी पे। जब हम इधर से गए तो दरवाजे पाए ऐसी आवाज़ हुई एक धमाके की, हम अंदर गए तो अनीस नाम के लड़के ने मेरे सामने गोली मारी और हमारा जीने पे होके वो पीछे छत से कूद गया, और हमारे जो लड़का पास था उसको भी धमकी दी, अगर तू इससे शादी करेगा तो गोली मार दूंगा तुम्हें। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि पड़ोस में रहने वाला अनीश है। काजल के पड़ोस में रहता है अनीश। काजल के सामने रखा था प्यार का प्रस्ताव, काजल ने अनीश का प्रस्ताव ठुकराया। काजल की शादी तय होने से पागल हो गया था अनीश। परिवार वालों का कहना है कि अनीश काजल को परेशान किया करता था, कई बार उसको समझाया लेकिन नहीं माना। शादी वाले दिन अनीश ने दूल्हे को धमकी दी थी, दूल्हा मुन्ना लाल को अनीश ने धमकी दी थी, बारात घर में जाकर दूल्हे को धमकाया था, काजल से शादी न करने की दूल्हे को दी थी धमकी, लेकिन उस वक्त गांव वालों ने अनीश को भगा दिया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, वरमाला के बाद फेरों के लिए तैयार होने के लिए काजल कमरे में गई तो अनीश के भाई और दोस्तों ने पथराव कर दिया। बारातियों पर पथराव होता देख हड़कंप मच गया, जिसके बाद काजल को अकेला छोड़कर सब बाहर आ गए। इसी बीच कमरे में जाकर अनीश ने काजल को गोली मार दी। एक तरफा प्यार में पागल अनीश ने काजल को आंख में गोली मार दी। फिलहाल पुलिस ने अनीश के साथ साथ चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। आज प्रातः थाना नवझील क्षेत्रांतर्गत ग्राम मुबारकपुर में एक वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान काजल डॉटर ऑफ कुबीराम की गोली लगने से मृत्यु कारित हो गई है। इस प्रकरण में जांच की जा रही है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिस घर में खुशियां थी उस घर में मातम पसर गया है, तो वही इलाके में दहशत का माहौल है। एक सिरफिरे ने एक तरफा प्यार में इस वारदात को अंजाम दे डाला। एबीपी गंगा के लिए मथुरा से अनिल पाराशर की रिपोर्ट।